गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू क्लास प्लस वन हिस्ट्री। हाँ जी बेटा, आज आप हिस्ट्री का दूसरा एंग्लो सिख युद्ध, सैकेंड एंग्लो सिख वार मैप करांगे। सब तो पहला देखो, अंग्रेजा अते सिखा विचकार दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लार्ड डलहौजी के समय 1848 तो 1849 ईस्वी विच लड़िया गया। इस युद्ध के अंत विच सिखां नूं हार दा मूँह देखना पिया। इस युद्ध के सिट्टे वजों पंजाब विच सिखां दे शासन का अंत होया अते अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। हाँ जी बेटा, सब तो पहला इन्हां दी लड़ाइयां जिहड़ियां तरतीबवार होईयां उहनूं पढ़ांगे। सब तो पहला पहली लड़ाई रामनगर की लड़ाई, सिखां अते अंग्रेजां विचकार दूसरे युद्ध की पहली लड़ाई 22 नवंबर 1848 ईस्वी नूं रामनगर दे स्थान ते हुई। अंग्रेजी सेना की अगवाई लार्ड ह्यूगफ कर रहा सी, सिख सैनिकां की अगवाई शेर सिंह कर रहा सी। ये लड़ाई बहुत ही भयंकर सी। इस लड़ाई विच अंग्रेजां दा भारी जानी अते माली नुकसान होया। हाँ जी बेटा, दूसरी लड़ाई चिल्लियांवाला की लड़ाई। चिल्लियांवाले की लड़ाई दूसरे एंग्लो सिख युद्ध दियां महत्वपूर्ण लड़ाइयों विचों एक सी। ये लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी नूं लड़ी गई। इस लड़ाई विच अंग्रेजी सैनिकां दी कमांड लार्ड ह्यूगफ कर रहा सी, ते दूजे पासे सिख सैनिकां दी कमांड शेर सिंह कर रहा सी। इस लड़ाई विच शेर सिंह दे सैनिकां ने अंग्रेजी सैनिकां नूं अजिही करारी हार दित्ती कि इंग्लैंड विच हाहाकार मच गई। इस लड़ाई विच अंग्रेजां दे 132 सैनिक अफसर भी मारे गए सन। इंग्लैंड की सरकार ने लार्ड ह्यूगफ की थां चार्लस नेपियर नूं पंजाब विच अंग्रेजी सैनिकां दा सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करन दा फैसला किया। हाँ जी बेटा, तीजी लड़ाई मुल्तान की लड़ाई। मुल्तान विच दीवान मूल राज अंग्रेजां विरुद्ध विद्रोहियों की अगवाई कर रहा सी। मुल्तान के किले ते कब्जा करन लई जनरल विश अधीन अंग्रेजी सैनिकां ने किले नूं घेरा पाया होया सी। शेर सिंह भी दीवान मूल राज नाल आ मिलिया। सफलता ना मिलदी वेख के जनरल विश ने एक चाल चली। उसने जाली चिट्ठियां लिख के दीवान मूल राज अते शेर सिंह विचाले फुट पवा दित्ती। इस कारण शेर सिंह ने दीवान मूल राज का साथ छड्ड दिता, मतलब आपस इन्हां नूं लड़ा दिता गया सी। इकला दीवान मूल राज अंग्रेजां का मुकाबला ना कर सकिया अते अंत विच मजबूर होकर उसने 22 जनवरी 1849 ईस्वी नूं अंग्रेजां अगे हथियार सुट दिते। मुल्तान की इस जित नाल अंग्रेजी फौजां दे हौसले मुड़ वध गए। अगे चौथी लड़ाई बेटा, गुजरात की लड़ाई। गुजरात की लड़ाई दूसरे एंग्लो सिख युद्ध की आखिरी ते निर्णायक लड़ाई सी। इस लड़ाई विच सिख सेना की अगवाई शेर सिंह, चतर सिंह अते भाई महाराज सिंह कर रहे सन। दूजे पासे अंग्रेजा दी सेना की अगवाई लार्ड ह्यूगफ कर रहा सी। ये लड़ाई 21 फरवरी 1849 ईस्वी नूं लड़ी गई सी, क्योंकि गुजरात की लड़ाई विच तोपां दी बहुत ज़्यादा वरतों की गई, जिस करके इस लड़ाई नूं तोपां दी लड़ाई भी कहा जाता सी। इस लड़ाई दे शुरू होने तो थोड़ी देर बाद ही सिखां दा गोला बारूद खत्म हो गया। सिट्टे वजों उन्हां दीआं तोपां नकारा हो गई। यह सुनहरी मौका देख के अंग्रेजी सेना ने सिखां ते जबरदस्त हमला कर दिता। इस कारण सिख सैनिकां विच भगदड़ मच गई। इस लड़ाई विच 3000 तो 5000 सिख सैनिक मारे गए सन। 10 मार्च नूं चतर सिंह अते शेर सिंह ने अपने हथियार जनरल गिलवर्ट अगे सुट दिते। 14 मार्च नूं बाकी सिख सैनिकां ने भी अपने हथियार सुट दिते। इस तरह बेटा 29 मार्च 1849 ईस्वी नूं अंग्रेजां ने पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज विच शामिल कर लिया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह की अणथक मेहनत सदका बनाए गए साम्राज का अंत हो गया। हाँ जी बेटा, सारिआं नूं दूसरा एंग्लो सिख युद्ध वार मैप।
समझ ला गया बेटा? ओके बेटा, थैंक्स।